अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 9 विच इज़ परसेंटेज, और उसका क्वेश्चन नंबर 9 एंड 11। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज अ परसेंटेज। इसका हम पार्ट ए करेंगे। सबसे पहले ज़ीरो पॉइंट फोर वन। अब हमने इनको एज अ परसेंटेज इन डेसिमल को शो करना है, तो हमने सिंपली देखना है कि हमारे पास जो डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, वो 3 हैं, यानी ये हंड्रेड्स में हैं। तो हम इसको इक्वल करके यहाँ लिखेंगे 100 डिनोमिनेटर में, और अब हमने ऊपर प्लेस करना है न्यूमरेटर, तो हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, तो वो 2 डिजिट्स हैं। तो हम हमेशा यहाँ पर डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे उनको यहाँ प्लेस करेंगे, तो हम जस्ट यहाँ लिखेंगे 41। अब उन्होंने हमसे कहा है कि आउट ऑफ 100 हमें बताएं या परसेंटेज बताएं, तो हमारे पास टोटल कितनी परसेंटेज है, इट्स 41% या आउट ऑफ 100। तो ये 100 सिंपली हम यहाँ पर एज ए सिंबल प्लेस कर देंगे। ये हो गया हमारा पार्ट ए। अब हम बात करने जा रहे हैं अपना पार्ट बी, विच इज़ 0.86। सिंपली जैसे मैंने आपको पहले बताया है, काउंट करें नंबर ऑफ डिजिट्स को, 1, 2, 3। इट मीन्स के डिनोमिनेटर में 100 आएगा, और आफ्टर डेसिमल हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, देयर वर 2 डिजिट्स। तो हम सिर्फ इन 2 डिजिट्स को, जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स होते हैं, चाहे वो 3 हो, 2 हो, 1 हो, आपने सिंपली उनको न्यूमरेटर में प्लेस कर देना है। अब हमारे पास परसेंटेज आ गई है, यानी 86 आउट ऑफ 100 या 86%। आपको पता है इस 100 को मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस 100 को जब हम एज ए परसेंटेज शो करते हैं, एज ए सिंबल शो करते हैं परसेंटेज का, तो हम उसको ऐसे कर देते हैं, यानी 100 का एक ज़ीरो इधर चला जाता और एक इधर चलता, और एक ये परसेंटेज का सिंबल हमारे पास आ जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सी, विच इज़ 0.5। अब देखा बच्चों आपने कि अब हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट यहाँ पर मौजूद है। अब हम नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करेंगे, 1 एंड 2। तो इट मींस कि यहाँ पर हमारे पास 10 आएगा एक्सेप्ट 100, और उसके बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल, इट्स 1। तो हम इसको 5 को प्लेस कर देंगे यहाँ पर। अब क्योंकि हमने यहाँ पर परसेंटेज में उन्होंने हमसे कहा है कि इसको कन्वर्ट करें, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में अभी सिर्फ 10 है, तो इस 10 को एज ए परसेंटेज यहाँ तक लाने के लिए हमें एक और स्टेप करना पड़ेगा। वो ये है कि हम इसकी जगह नीचे 100 लिखेंगे और इस 5 को यहाँ ले आएंगे। तो हम अब बता सकते हैं कि ये 5 आउट ऑफ 100 है, यानी 5% हमारे पास आंसर है। जब आपके पास आफ्टर डेसिमल सिर्फ एक डिजिट हो, तो आपने ये वाला स्टेप जो है इंक्रीज़ कर देना है, इसमें एक स्टेप बढ़ाकर फिर हम परसेंटेज हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास 100 डिनोमिनेटर में नहीं होगा, हम उसकी परसेंटेज शो नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा परसेंटेज आउट ऑफ 100 बताई जाती है। अब हमारे पास है पार्ट बी। पार्ट बी क्वेश्चन है 0.07। अब आप फिर इसको टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करें, 1, 2, 3। इट मींस कि हम यहाँ लिखेंगे 100, और आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे 0.07, या आप अगर 0 है उसको नहीं भी लिखते हैं तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप इसको एज इट इज़ भी शो कर सकते हैं। ओनली 7 लिखकर भी आप इसको शो सकते हैं, 0 ना भी लिखें तो कोई ज़रूरी नहीं, अगर लिख लें तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अब हम यहाँ बताएंगे कि हमारे पास कितने हैं, 7%। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ डेसिमल। पहले हमने डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल। इसका हम पार्ट ए करेंगे, विच इज़ 2%। अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे पास वंस है यहाँ पर, यानी एक डिजिट है, तो सबसे पहले हमने इसको वंस की लाइन में लेकर जाना है, जिसके लिए हम, आपको पता है वंस लेस देन 10 होते हैं, हम इसको सिंपली यहाँ लिखेंगे 2। अब क्योंकि हमने उन्होंने हमें कहा है कि इस परसेंटेज को हमने
कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल। तो इस परसेंटेज के लिए हमारे पास ये 10 का बहुत कम है, ये 10 डिनोमिनेटर जो है, तो हम इसको एक नए स्टेप में लेकर जाएंगे। हम इस परसेंटेज के सिंबल को यहाँ पर शो करेंगे आउट ऑफ 100, यानी अगर 10 में से 2 हैं तो आउट ऑफ 100 ये कितने बनते हैं। तो जैसा कि हम देखने के ये वंस हैं, तो हम इसको यहाँ प्लेस करेंगे 0, 2 करके शो करेंगे, क्योंकि वंस में हमने बताना है। तो 10 की जगह पर हमारे पास 0 है और ये वंस है, ये 10 और ये वंस। अब हम जब इसको आगे डेसिमल में लेकर जाएंगे, तो हम इस दो डिजिट से पहले डेसिमल आंसर, और इसका जो 0 है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स 3 होने चाहिए हमारे पास अगर हमने परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हमें ज़रूरी है कि हम 3 डिजिट्स में उनका आंसर दें, आफ्टर डेसिमल हमारे पास 2 डिजिट्स मौजूद हों। और यहाँ पर हम लिखेंगे 0, तो 1, 2, 3 ये डिजिट्स हमारे पास आ गए। जैसे कि आपने ऊपर देखा था, हमने इन 3 डिजिट्स वाले जो क्वेश्चंस थे उनको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया था, हमने स्टेप बाय स्टेप यही सेम स्टेप गए थे, लेकिन अब हम उन्हीं स्टेप्स को रिवर्स करके अपना आंसर निकाल रहे हैं। हमारा पार्ट है बी, 80%। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 2 डिजिट्स हैं, यहाँ आप अपने वैसे जहन में रखेंगे ये डेसिमल है यहाँ पर मौजूद, या आप खुद से लगा लें ताकि आपको आगे क्वेश्चन करने में आसानी हो। अब आपके पास आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स हैं, तो हम सिंपली इसको लेकर जाएंगे 100 के साथ। अगर हमारे पास 1 डिजिट था तो हम उसको लेकर गए थे 10 के साथ, अब ये 2 डिजिट्स हैं तो हम इसको 100 के साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि 2 डिजिट्स जो हैं वो अप टू 99 तक चलते हैं, 80 और इसको हम जब यहाँ पर लेकर आएंगे, तो क्योंकि यहाँ नीचे 3 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पर इससे पहले डेसिमल को शो करेंगे, डेसिमल से पहले 0 और 80 उसके बाद में, यानी 1, 2, 3 हमारे पास 100 में से ये हमने डेसिमल में शो कर दिया है अपनी परसेंटेज को। क्वेश्चन नंबर 3 है, या उसका पार्ट सी है, 55%। सेम वैसे ही आप जाएंगे। अब आपने फिर देखना है कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं, तो हमारे पास 2 नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं, तो हम नीचे 100 लिखेंगे, ऊपर 55 लिखेंगे, और इसको कन्वर्ट कर देंगे एज ए डेसिमल में, यानी हम पहले यहाँ डेसिमल प्लेस करेंगे, उससे पहले 0 और फिर 55 को सिंपली यहाँ लिख देंगे। अब पार्ट डी है, 36%। सेम 2 डिजिट्स, वी गोना राइट 100 इन द डिनोमिनेटर और 36 ऊपर। अब हमने जब इसको डेसिमल में शो करना है, तो हमने 36 से पहले डेसिमल लगा देना है और डेसिमल से पहले 0, ताकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएँ, क्योंकि नीचे 100 है। तो हमने इतने डिजिट्स डेसिमल में बताने हैं कि ये कितने में से हमने परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट किया है। अब हम करेंगे इसका पार्ट ई, है 92%। सेम आपको, आप जब ये क्वेश्चंस करेंगे बार बार, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिंपली 2 डिजिट्स, 92 100 में से, और डेसिमल पहले आप प्लेस करेंगे, उससे पहले 0 और फिर ये 92। अब है पार्ट एफ, 21%। फिर हमारे पास अगेन 2 डिजिट्स हैं, जिसको हम 100 में से अब तो 100 बताएंगे, 21 डेसिमल प्लेस करना है, उससे पहले आपने 0 दे देना है, और उसके बाद ये 21 यानी ये 2 डिजिट्स को यहाँ पर ले आना है, क्योंकि ये टेंस में हैं, ये देखें ये टेंस में है, तो ये इस प्लेस में है, इसलिए हम यहाँ पर डेसिमल लगा रहे हैं, ताकि इस 1 को हम यहाँ बिफोर डेसिमल शो कर सकें कि ये लेस देन 100 है। थैंक यू बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कुछ और इसमें से समझ नहीं आया, या आपको मज़ीद अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो डू कमेंट, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह अपने क्लास में मैथ्स के सब्जेक्ट में बहुत आगे निकल जाएंगे, अपने सब स्टूडेंट्स को बीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह ने के बाद।